हरे कृष्णा, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ के सेशन 3 में। दोस्तों, आज का हमारा यह सेशन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए स्पेशलाइज्ड सेशंस लेकर आएंगे जो कि आपको स्पेशल कोर्सेज के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे। दोस्तों, पूर्व में हम चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स पर CA हिमांशु गर्ग के साथ में, और सेकेंड जो हमारा सेशन था वो शेयर मार्केट पर अभिषेक शर्मा जी के साथ में हम ला चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों सेशन और हमारे जनरल सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन्हें ज़रूर देखें, और हमारे चैनल से आप अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के ऊपर CS राघव चतुर्वेदी जी से जानेंगे कि किस प्रकार से यह कोर्स है और इस कोर्स को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कोर्स की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, किस प्रकार से इसमें आने वाली एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस कोर्स को करते समय हमारा जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार का हो, इन सभी बातों को हम CS राघव चतुर्वेदी जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे CS राघव चतुर्वेदी जी। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गए हैं राघव चतुर्वेदी जी, आइए हम इनका स्वागत करते हैं। जी सर। सर, हमारे विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं वे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि CS कोर्स क्या है और इसमें विद्यार्थी कौन कौन इसमें एंट्री ले सकते हैं और एंट्री की प्रोसीजर क्या है। सर, CS जो है वो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की एब्रीविएट फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1980 में, जिसका गठन हुआ था। जनरली हमारे पास सिचुएशन ये थी सर के क्योंकि हमारा देश LPG जो रिफॉर्म्स हैं उसके लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो जरूरी था कि विदेश से कंपनी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें और जो है कंपनी के फॉर्म पे काम चल सके। तो उस पूरी प्रोसेस को गवर्न करने के लिए, उस पूरी प्रोसेस में कोई परेशानी ना हो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वॉयलेशन ना हो, इसके लिए आवश्यकता था कि कोई एक फॉर्म बनाई जाए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कंपनी से रिलेटेड मैटर्स को देखे, उनकी जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखे। और इसके लिए 1980 में ICSI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जो है फॉर्मेशन हुआ था, और तभी से ये इंस्टीट्यूट चलता आ रहा है। तो CS बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी को कहते हैं जिसका काम मेनली होता है कंपनी के लीगल मैटर्स को देखना और उनको फॉलो करना। तो ये सर कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स का एक ओवरव्यू। जी सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि CS कोर्स में एंट्री लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन बच्चे इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। सर, तो कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है उसकी दो तरीके की एंट्री हो सकती है। ईदर वन कैन एंटर इनटू दिस कोर्स आफ्टर हिज 10+2 और हर 10+2, यानी या तो कोई 12वीं के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, एंड द अदर वेज फ्रॉम ग्रेजुएशन। और दूसरा तरीका जो है वो ग्रेजुएशन से शुरू होता है। तो पहले अपन 10+2 के बारे में बात करते हैं। जो भी बच्चे 10+2 यानी जिन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास की है, और क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना की वजह से लोग प्रमोट भी हुए हैं, तो 12th क्लास में जो प्रमोट हुए हैं उनको जो प्रमोटी की सर्टिफिकेशन या मार्कशीट मिलेगी, वो लोग भी, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपके पास कॉमर्स हो तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो पूरा कॉमर्स स्ट्रीम से ही बेस्ड है। तो अगर आपके पास कॉमर्स है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, देन ऑल्सो यू कैन एंटर इनटू इट। तो आपके पास मैथ हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आप इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं आफ्टर 10+2। अगर आप 10+2 एडमिशन लेते हैं तो तीन लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनल। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एंटर करना चाहते हैं तो जो फाउंडेशन का लेवल है वो आपको नहीं देना पड़ता, फिर आपके पास दो लेवल रह जाते हैं, एग्जीक्यूटिव और फाइनल। तो इस तरीके से तीन अलग अलग स्टेप हैं। फाउंडेशन जो 10+2 करके बच्चे आते हैं उनको पास करनी होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, अगर कोई फाउंडेशन पास करता है तो वो एग्जीक्यूटिव में आ सकता है, या फिर जो ग्रेजुएशन करके आते हैं वो सीधे एग्जीक्यूटिव में आ सकते हैं, और उसके बाद फाइनल। तो इस तीन तरीके के कोर्स को, प्लस ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें सुमित जी, मतलब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि
ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, मतलब हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है। वो एक अलग बात है कि कोई बच्चा इसके लिए कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे कोचिंग लेता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंस्टीट्यूट हमें किसी कॉलेज वगैरह में नहीं बुलाता है, वो हमें स्टडी मटेरियल देता है एंड दे एक्सपेक्ट अस, उन्हें ये उम्मीद होती है कि हम भाई पढ़ेंगे और अपने हिसाब से इस लेवल पे आएंगे कि हम एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। तो साथ में जरूरी हो जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना। तो हमारे यहाँ 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल की ट्रेनिंग होती है जो हमें किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में करनी होती है या कंपनी के अंडर में करनी होती है। तो जब हम ये तीनों लेवल पास कर लेते हैं प्लस जितनी भी ट्रेनिंग्स हमारा इंस्टीट्यूट बताता है वो कर लेते हैं, तब हम सीएस बनते हैं और फिर हम अपना काम कर सकते हैं। जी सर, आपने बहुत ही डिटेल में कोर्स के बारे में सारी जानकारियां बताई। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बालकों के मन में एक जिज्ञासा रहती है, क्या वो इसका जो एंट्रेंस लेवल है 10+2 के बाद में वहां पर सेल्फ स्टडी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से मैंडेट नहीं करता है कि आपको कोचिंग लेनी है, बल्कि इंस्टीट्यूट तो ये एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे अगर सेल्फ स्टडी करके आए तो बहुत अच्छी बात है। और सुमित जी, जिस लेवल का जो एग्जामिनेशन है, आप उस लेवल की अगर बात करेंगे, जैसे 10+2 लेवल के बाद फाउंडेशन जो एग्जामिनेशन है, तो फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो बेसिकली आपकी 12th क्लास के कॉमर्स, 11th 12th के जो कॉमर्स सिलेबस है उसके बराबर ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 10+2 करके अगर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सेल्फ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत है कोचिंग की। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई एरिया वीक है तो आप अगर कोचिंग लेते हैं दैट्स फाइन, पर अगर बच्चा थोड़ा भी पढ़ा है और थोड़ी मेहनत करने का इच्छुक है तो मेरे ख्याल वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं। जी सर, मतलब इसका जो 11th और 12th में बालक जो कॉमर्स पढ़ रहा है, अगर वो तैयारी अपनी अच्छी रखता है और सारे टॉपिक्स को अच्छे ढंग से स्कूल में ही कवर कर लेता है तो उसको सीएस फाउंडेशन एक क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जी जी सर, जी सुमित जी, ऐसा ही है कि अगर आप मतलब वो लेके चलते हैं अपना, आपका जो बेस है वो अगर स्ट्रांग है या फिर आप बाद में भी उस पर तैयारी कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है मेरा मानना। अच्छा सर, एक चीज जो बच्चे ज्यादातर जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में अगर वो कोचिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो फाउंडेशन लेवल से लेकर के और फाइनल लेवल तक उनको कोचिंग में लगभग कितना उनका खर्चा या फीस के रूप में, अगर वो बाहर किसी शहर में रहते हैं तो कितना ओवरऑल उनको फाइनेंस की व्यवस्था करके चलनी चाहिए इस कोर्स को करने से पहले? सर ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा सर्कमस्टांशियल है, अलग अलग सिचुएशन पे इसका आंसर बेस्ड होगा, पर अपन मोटे तौर पे बात करते हैं सुमित जी। आज जो टेक्नोलॉजी का एरा है वो बहुत एडवांस्ड है, और अगर अपन वर्तमान समय में बात करें तो जो फिजिकल कोचिंग हुआ करती थी किसी दौर में, कि बच्चे अलग अलग जगह जाके रहते थे, स्टे करते थे, फिर कोचिंग करते थे, जैसे सपोज मेरे और आपके क्षेत्र के लिए जयपुर एक डेस्टिनेशन हुआ करती थी, और भी बच्चे चारों तरफ से जहां भी उनके पास नियरेस्ट बड़ी लोकेशन होती थी वहां जाके क्लासेस वगैरह करते थे। लेकिन वर्तमान समय में सर, एक तो कोरोना पैंडेमिक के बाद फिजिकल क्लासेस वगैरह चल ही नहीं रही, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, तो आजकल कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं प्लस हेल्पफुल हैं। जैसे अनअकैडमी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अनअकैडमी पे सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बहुत लेजिटिमेट बजट में आपको कोर्स ऑफर होता है, पहली चीज मैं और एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर कर दूं दैट आई एम नो वेयर इन ए व्यू कि किसी को कोचिंग करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा खुद पढ़ सकता है तो बहुत अच्छा है, उसको कहीं भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, या आप मान के चलें। लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है कि लोग चाहते हैं कि यार भाई हम कोर्स कर रहे हैं तो हम कोचिंग भी करें या वो सारी चीजें करें, तो अगर कोई फाइनेंशियली वायबल है, किसी का फैमिली गुड इनफ है कि वो पैसा खर्च कर सकती है अपने बच्चे की एजुकेशन पे, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर कोई ऐसा महसूस करता है कि साहब मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना बेहतर नहीं है कि मैं बाहर जाके कहीं रह सकूं या किसी क्लासेस में रह के अपना पूरा टाइम दे सकूं, तो उसके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूं। पहला ऑप्शन तो यही है कि वो अपनी सेल्फ स्टडी को अगर बेहतर करता है, मतलब आप मानेंगे सुमित जी, जो स्टडी मटेरियल हमें इंस्टीट्यूट देता है वो इतना अच्छा और इतना बेहतर तरीके से लिखा होता है कि अगर कोई बच्चा उसे पढ़ता है और साथ में किसी भी टीचर की, आपके आसपास के टीचर की ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपको पढ़ाते हैं टीचर्स की हेल्प लेता है, तो आपको कहीं भी कोचिंग की कोई ऐसी डिटेल आवश्यकता नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि बजाय आप फिजिकल क्लासेस और फिजिकल कोचिंग के, अनअकैडमी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो काफी अच्छे हैं। तो मैं आपको एक मोटा आइडिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन से एनरोल करता है
तो आज के टाइम में जो अनअकैडमी का पैकेज है उसके हिसाब से लगभग 50,000 से 55,000 रुपए में उसका फाउंडेशन से लेके फाइनल तक का सारा कोचिंग, सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग, मल्टीपल टीचर्स के साथ कोचिंग और 3-3.5 साल का उसको समय मिलता है सारे सब में, तो लगभग 50,000 से 55,000 से 60,000 रुपए के खर्चे में वो कोचिंग कर सकता है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। आज अगर आप इंजीनियरिंग या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां साल की ही जो फीस होती है, एक साल की फीस होती है, वही 1,00,000 रुपए के आसपास होती है, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है अगर कोई कोचिंग करता है तो। अव्वल अगर वो नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करता है तो इतना खर्चा आता है जो मैंने आपको बोला। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। इससे क्या है कि बच्चों के मन में जो ये डाउट रहता है कि वो स्पोर्ट्स में एडमिशन लेंगे तो पता नहीं उनका कोचिंग पर कितना खर्चा होगा, और आपने जैसा कि बताया कि वर्तमान में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से घर पे बैठ के ही बालक जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इस कोर्स को बालक कंप्लीट कर लेता है, सीएस कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद में एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो किस तरह से एज ए सीएस काम कर सकता है, किस किस तरह के ऑप्शंस उसके पास में अवेलेबल होते हैं? जी सुमित जी, तो जब आप सीएस कंप्लीट कर लेते हैं आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाती है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इधर यू कैन कैरी ऑन योर ओन प्रैक्टिस लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आप या तो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप मेंबरशिप लेके जॉब में जा सकते हैं। तो स्कोप क्या होता है उसका एक मैं थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया आपको देना चाहता हूँ। पहली चीज तो जब हम सीएस बनते हैं तो जितना ये कोर्स का करिकुलम है और जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, हमें कंपनी लॉ प्लस अदर जो लॉ है जैसे पीएफ लॉ है, ईएसआई लॉ है, मतलब जिन भी फैक्ट्रीज वगैरह में लोग वर्कर काम करते हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनको उनको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, किसी कंपनी को अगर आगे रन करना है, क्या उसकी कोई वो नया वेंचर लेना चाहता है, तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एवेन्यू है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, क्योंकि सिक्योरिटीज में जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वहां पे बहुत कंप्लायंस लगता है। तो स्टॉक मार्केट में जॉब अगर देखना चाहे व्यक्ति, तो जॉब हमारे सीएस फर्टिनिटी के लोगों को काफी अच्छी वहां मिलती है, या कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहे, सपोज आज मैं कोई जयपुर की कंपनी है और वो स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक लेके आना चाहती है, शेयर लॉन्च करना चाहती है, तो उसके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं पहले उनको अगर मैं असिस्ट करता हूँ उस कंपनी को, तो दे ऑल्सो पे मी ए वेरी हैंडसम अमाउंट, काफी अच्छा वहां पे भी पैकेज मिलता है। तो आप जॉब कर सकते हैं सीएस बनने के बाद, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किन फील्ड्स में कर सकते हैं, वो कंपनी लॉ हो सकता है, वो इनकम टैक्स और जीएसटी भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक बड़ा एक मोटा आइडिया और अंतर माना जाता है कि सीएसीएस में जनरली लोग सीए को ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं कंपैरेटिवली टू सीएस, जबकि असल सिचुएशन ये है कि सीए और सीएस ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स को पढ़ के पास होते हैं। मतलब एक सीए बनने के लिए बच्चा जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है उसका 90% जो है वो सीएस भी बच्चा भी पढ़ता है, और यही बात सीए के लिए भी अप्लाई है। यानी एक बच्चा सीएस बनने के लिए जितना कोर्स पढ़ता है उसका 90% एक सीए को भी अपने करिकुलम में पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 10% कोर्स का जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। तो सीए होने के बाद जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, सपोज आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने में आप उनकी मदद करना चाहते हैं, या आप जीएसटी में उनको असिस्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की हुई होती है इन सब्जेक्ट की, तो आप जीएसटी इनकम टैक्स के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, आप कंपनी लॉ में भी काम कर सकते हैं, आप पीएफएसआईसी में भी काम कर सकते हैं। इवन कि मैं आपको बताना चाहूंगा सुमित जी, हमारे इंस्टीट्यूट में अगर दो एडिशनल पेपर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें लंदन की जो कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स है उसकी भी लाइसेंसिंग मिल जाती है। इसका मतलब अगर हम हमारा सीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद दो जो पेपर हैं वो फाइट कर लेते हैं जो लोकल लॉज के होते हैं बेसिकली उस नेशन के, तो हमें लंदन में मतलब इवन के अब्रॉड में भी प्रैक्टिस करने के लिए एवेन्यूज होते हैं। फिर डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एडवांस है, उसके क्या इंडिवर्स हैं, वो कहाँ जाना चाहता है, तो मतलब एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। जी सर, सर आपने इस चीज को अच्छे से बताया कि किस तरह से उसके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सीएस कंप्लीट करने के बाद में अगर कोई सीए करना चाहता है तो उसको क्या कोई सीए कोर्स में कोई एग्जेम्पशन मिलती है कुछ पेपर्स की या कोई लेवल की? नहीं सर, ये बड़ा मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, या कहें कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, कुछ भी कहें,
लेकिन अल्टीमेटली प्रिसाइजली आपके क्वेश्चन का आंसर इज नो। अगर आप सीएस करते हैं तो उसके बाद आप सीए जब करने जाते हैं तो आपको किसी भी पेपर में एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप सीए करके सीएस में आते हैं तो आपको कुछ पेपर में एग्जम्पशन मिलते हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसको बच्चे को एनरोल करने से पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि असल में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं सुमित जी जो सीएस कर लेते हैं, या तो उनको सीए के बारे में जानकारी नहीं होती, या वो सीए नहीं कर पा रहे होते इसलिए सीएस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक फैक्टर रहता है कि यार सीए इज बेटर देन सीएस। तो अगर आपके मन में ये फैक्टर है तो नो डाउट आप चाहे कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमेशा आप सेकेंडरी ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपने मन में ही किसी चीज को फर्स्ट पोजिशन दे रखी है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कोई एग्जम्पशन हमें नहीं मिलता जब हम सीएस करने के बाद सीए करना चाहते हैं, मिलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो ये है सर। जी सर। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सीए कर लेते हैं और सीए के बाद में जैसा कि आपने बता ही दिया इसका ऑलरेडी आंसर आप कर चुके हैं कि उनको एग्जेम्पशन मिलती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मतलब जो करंटली सीएस परसुइंग स्टूडेंट उसके बाद में उनको क्या सीए कोर्स में कोई एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन आपने इसका एक वेल एक्सप्लेन करके आंसर दिया कि वर्तमान समय में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उनको सीए कोर्स में किसी भी लेवल पे या किसी पेपर में एग्जेम्पशन मिले। तो सर ये जो आपने अभी तक सीएस को लेकर के सारी डिटेल्स बताई, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कंपनी में एक सीएस का क्या रोल होता है सर? अगर वो एज ए जॉब किसी कंपनी में जॉब करता है सीएस, तो उसका मेन रोल क्या होता है सर कंपनी के अंदर? सर ये भी डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है और कौन सा डिपार्टमेंट उसे दिया गया है। जनरली जो सीएस अपॉइंट होते हैं वो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट एक कंपनी में विभाग होता है। सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का मेन काम होता है कि कंपनी जो भी ऐसे काम कर रही है जिनका कंपनी लॉ में कोई पैरामीटर है चेक करने का, तो उसकी कंप्लायंस को हम देखते हैं। सपोज आज कंपनी इनकॉर्पोरेट है और कंपनी कोई नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई जिस व्यक्ति को कंपनी डायरेक्टर बनाने लाई है उसको पहले दिन से डायरेक्टर बनाया जाए, उसके बाद उसे कंपनी में इनरोल किया जाए, प्लस कंपनी की टाइम टाइम पे बोर्ड मीटिंग्स कराई जाए, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कराई जाए। तो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट जिससे जनरली सीएस डील करता है वो इस तरीके के सारे काम, मतलब जो प्रोसीजरल काम है, यानी कंपनी की बोर्ड मीटिंग करवाना, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ उनकी एजीएम में कनेक्ट करना, प्लस कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेज होते हैं, कंप्लायंसेज बोले तो जो भी नया कंपनी में काम हुआ है, कोई नया डायरेक्टर आया है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, किसी डायरेक्टर का चेंज हुआ है, डिविडेंड इशू हो रहा है, कंपनी बायबैक कर रही है, ये नंबर ऑफ थिंग्स जो एक कंपनी को करनी होती है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो उसे ढंग से करवाए। लेकिन अभी वर्तमान समय में मैं ये मानता हूं कि सीएस का स्कोप, क्योंकि सब्जेक्ट तो जो पढ़ के आता है, जो हम कोर्स में पढ़ते हैं वो हमें एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देता है, तो फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पहुंचते हैं, आपकी किस्मत कहाँ ले जाती है, क्योंकि मैं किस्मत में मानने वाला आदमी हूँ, ऐसा इसलिए कहता हूँ। अदरवाइज आप अगर अपने आप में ही सब कुछ मानने वाले आदमी हैं तो आपका पुरुषार्थ आपको कहाँ ले जाता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आई हैव बीन यू नो नोन विद नंबर ऑफ पीपल्स हु आर सीएस बट नाउ दे आर वर्किंग एज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी के पूरे फाइनेंस को देख रहे हैं, विच इज जनरली ए सिक्योर्ड पोस्ट फॉर सीए। ऐसा माना जाता है कि कंपनी का सीएफओ जो है वो एक सीए ज्यादा सूटेबली हो सकता है, लेकिन मेरे पास काफी ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जो कंपनियों में सीएफओ के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो काफी सारा स्कोप है सर, जनरली सेक्रेटरियल, लेकिन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। जी सर। सर एक क्वेश्चन जो मैं पहले पूछना चाहता था वो रह गया था, मैं आपसे जानना चाहता था कि जो सीएस की ट्रेनिंग होती है सर, तो उस ट्रेनिंग में ये देखा जाता है सीएस परस्यू करने वाले बच्चों के बीच में कि जो फर्म्स होती हैं, तो वो क्या सर फर्म्स का भी कोई इफेक्ट पड़ता है कि सर आप कितनी अच्छी फर्म में ट्रेनिंग आपको मिली है? बिल्कुल, ट्रेनिंग के बारे में और थोड़ी जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल मिलता है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिन लोगों के बीच में, जहां पे अगर सपोज मैं काम सीखने जा रहा हूँ, वो फर्म कितने अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वही तो मुझे सिखाएंगे। सपोज अगर उन्हीं के पास कोई अच्छा काम नहीं है या वो बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं भी उतना नहीं सीख पाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल सही है
कि फर्म का या किसी कंपनी का जहाँ पे भी हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. इधर वी कैन कंटिन्यू आर ट्रेनिंग विद एनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, और वी कैन गो टू कॉर्पोरेट्स. जो भी कंपनियां हैं वहां पे भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं और कितने मेहनत से आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जनरली हमारे स्ट्रीम में और लोगों को सुनने में देखने में आता है कि बच्चे बड़े जल्दी परेशान हो जाते हैं जब ट्रेनिंग में उनका एम्प्लॉयर उनसे काम करवाता है या उनसे ओवर टाइम करवाता है, तो दे फील लाइक कि क्यों मैं इतना मेहनत करूं. लेकिन अल्टीमेटली विद द यू नो पासिंग ऑफ टाइम, आप एक लंबे समय के बाद जाके ये महसूस करते हैं कि आप उतना ही अच्छे खुद सीएस बन पाएंगे जितनी अच्छी आपने ट्रेनिंग ली होती है उस दौरान जहां आप काम सीख रहे होते हैं. तो एक अच्छी फर्म चूज करें, प्लस जो भी वो काम कर रहे हैं उसे सीखने की कोशिश करें, तो आपको मदद मिले. जी सर. सर आपने जैसा कि अभी बताया कि एक जो कंपनी सेक्रेटरी का पास आउट स्टूडेंट है वो अपनी जॉब को सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट से शुरू करते हुए और कंपनी के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट के लेवल तक वो जा सकता है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी अपनी सेवाएं दे सकता है. तो सर ये ओवरऑल जो जानकारी आपने दी है इससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को सीएस कोर्स को समझने में सुविधा मिली होगी और विद्यार्थी अपना डिसीजन बना सकेंगे कि किस प्रकार से उनको सीएस कोर्स को परस्यू करना है. सर इन सभी प्रश्नों के अलावा और भी कोई आप अपनी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि वो सीएस करते समय, क्योंकि सर जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बालक कहीं से भी एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो एक उनको करते समय प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके रिगार्डिंग आप जो एडवाइस उनको देना चाहेंगे कृपया दीजिए. जी सुमित जी, मैं कुछ एक चीजें शेयर करना चाहूंगा. पहली चीज तो जब आप इस कोर्स में एनरोल करें, सपोज आप सीएस कोर्स के लिए जाते हैं, तो पहली चीज आप अच्छे से ये देखें कि जो सब्जेक्ट्स आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फाउंडेशन से लेके फाइनल तक पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा इस दृष्टिकोण से उसे देखेगा तो उसे निश्चित तौर से समझ में आएगा कि जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल है. और अगर बच्चा उन्हें अच्छे से पढ़ता है तो उसको निश्चित तौर से ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा एज एन अर्निंग प्रोस्पेक्टिव. क्योंकि जब आप काम जानते हैं तो इस दुनिया में हमेशा उन लोगों की जरूरत होती है जो काम जानते हैं, और हमेशा उनकी शर्तों पे काम चलते हैं जो वो काम जानते हैं. तो एक अच्छा कोर्स है, आप इसे ज्वाइन करें ये मानते हुए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से ये लक्ष्य अपना मान के चलें कि भाई मैं इस कोर्स को कर रहा हूं, और एक ना एक दिन जल्दी देरी साल दो साल एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट जितने भी मुझे लगे मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर लूंगा. ना तो अटेम्प्ट लगने की गिनती से अपने आप को हताश महसूस करें, और ना फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई एग्जाम निकल जाए तो उड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जनरली ये भी कई बार बच्चों के साथ हो जाता है फाउंडेशन फर्स्ट बार में उन्होंने अटेम्प्ट एलिजिबली पास कर लिया तो उनको लगता है कि अब तो बस सीएस बनने में या सीए बनने में ज्यादा समय बचा नहीं है. तो ऐसा नहीं है, बड़े पेशेंस के साथ चीजों को लर्न करें, एक अच्छी फर्म में प्रैक्टिस करें, और अपना गोल और एम जो है वो बड़ा फिक्स्ड रखें, उन चीजों से डाइवर्सिफाई ना हो. क्योंकि होता यह है कि जनरली जब आप ये कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको आपकी लेवल ऑफ नॉलेज अच्छा हो जाता है, और इस वजह से आपको कई छोटे छोटे ऑफर्स जो मिलते हैं उसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सपोज आपको कोई ऑफर देता है कि अरे यार तेरी नॉलेज अच्छी है फलाना टाइम का, तू इस कोर्स में इस कंपनी में एज एन जूनियर असिस्टेंट लग जा या कुछ ऐसा, तो वो प्रलोभन हो सकता है. उस टाइम आपको 10-12-15,000 रुपए दे दें, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी जो काम करने की सिचुएशन है उसको डिसग्रेड करेंगे. तो इसलिए आदमी को बड़ा सोच समझ के इसके संबंध में प्रयास करना चाहिए. और इसके अलावा बस यही है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में डिटरमाइंड रहें, अच्छे से करें. एन नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, जो आप चाहेंगे वो कर सकेंगे बशर्ते आप अच्छे से पढ़ के इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं. तो जी सर, विद्यार्थियों आपने अभी सीएस राघव चतुर्वेदी जी को सुना, उन्होंने आपको सीएस के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया, और इस हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे.
करेंगे कि उन सभी आपके प्रश्नों के जवाब सीएस राघव चतुर्वेदी से लेकर के आपको उनके आंसर पूरी सेशन में सीएस राघव चतुर्वेदी जी ने बताया कि आप जो है आपका अगर तैयारी अच्छी रखते हैं, अपना फोकस रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से कंप्लीट सीएस बन जाएंगे। और आपको बीच में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि बीच में क्विट करने के बारे में नहीं सोचना है, अगर आपको अटेम्प्ट लगते भी हैं तो आपको पेशेंस के साथ में कोर्स को कंटिन्यू करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विद्यार्थियों को सीएस कोर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राघव चतुर्वेदी जी, जिनसे आपने जाना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपने इस सेशन को अंत तक देखा होगा। दोस्तों, अपने मित्रों तक इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे एस्पिरेंट जो सीएस कोर्स को करना चाहते हैं, उन्हें अपने करियर से संबंधित एक बेटर और एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा।